आज से सीएनजी 5 और पीएनजी 3 रुपए सस्ती, क्या बात है। प्रभा प्रभा प्रभा, मेरी चाय कहाँ है भाई? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं। चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। चाय कहाँ है मेरी? Not required यार। सुबह सुबह लोन ले लो। ये रही आपकी चाय। आज का मेरा राशिफल देख के लगता है कि मेरा दिन काफी अच्छा जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिन तो आपका अच्छा जाएगा, फिलहाल चाय पे ध्यान दीजिए जो कि बिल्कुल ठंडी हो गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। मुझे भी चाय मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। चाय पी के तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, तब तक मैं तेरे लिए और खुशी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। ओके। तुम्हारी राशि क्या है? तुला। पूर्व की तरफ यात्रा करना सुखद, वैवाहिक एवं प्रेम संबंधों में सुधार। मम्मा बयान असल ही आइए। माँ मेरा ब्रेकफास्ट दो, मुझे कॉलेज के लेट हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सोके उठ के आ गई? डैड इसके पास कोई काम नहीं है, बस सोके उठ जाना, तैयार हो जाना, कॉलेज चले जाना और पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना बस। और हाँ भाई, तेरा काम है पैसे देना, चल जल्दी पैसे दे, मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना, जल्दी ब्रो। कितनी चाहिए? भाई भाई बहुत है तेरे, हो जाएगा काम। माँ मेरा ब्रेकफास्ट ले आओ जल्दी। हाँ खुशी। लो तब तक नाश्ता करो, मैं तुम्हारा टिफिन लगा देती हूँ। माँ कॉलेज टिफिन लेके कौन जाता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर कुछ खा लूंगी। अरे बेटा बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, घर का है, ले जाओ, भूख लगेगी तो खा लेना। माँ मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जा रहा हूँ। ये ले बेटा तेरा टिफिन, मैंने फेवरेट खाना पैक किया है तेरा। थैंक यू सो मच माँ। बाय। और अभी आप फोन पे ही लगे हुए हैं, ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना। जा रहे हैं पापा। मतलब कल हम लोग की एनिवर्सरी है।
कार की चाबी। ओह थैंक यू थैंक यू। अरे सुनिए मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ। अच्छा ठीक है आप ऑफिस से लौट आइए फिर। ठीक है शाम को मिलता हूँ। आप लोग क्या खाएंगे? क्या खाओगे तुम? स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर करते हैं। स्प्रिंग रोल तो स्प्रिंग रोल ले आइएगा, थोड़ा सा स्पाइसी कम। ठीक है। यार आज मैथ्स की क्लास कितनी बोरिंग थी। बहुत ज्यादा। हेलो खुशी बेटा। हाँ माँ। 4 बज गए, तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ माँ खा लिया है, अभी फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे सुन तो मुझे आज क्या मिला है तेरे बचपन। माँ माँ बाद में बात करती हूँ, बाय 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 बाय। चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं फिर। क्या खाओगे? फ्राइड मोमोज। नहीं, स्टीम मोमोज। भैया 3 प्लेट स्टीम मोमोज कर दीजिएगा। ओके मैम, और कुछ? नहीं बस। शायद बिजी होगी, छोड़ो। मैं उसकी पिक्चर्स फेसबुक पे अपलोड कर देती हूँ, जब देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। देखो खुशी की फोटोज। हाँ यार कितनी क्यूट लग रही है। अरे खुशी देखना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बचपन की फोटोज अपलोड करी है, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। और ये वाली फोटो देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम और आंटी बहुत क्लोज हो। काश मेरी भी माँ मुझसे इतना प्यार करती जितना तुम्हारी माँ तुमसे करती है, बट मेरी माँ तो अपने काम में बिजी रहती है। यू आर सो लकी खुशी। अरे टिफिन, आज मैं ये कैसे भूल गया।
भाई तेरे पैसे रह गए थे? हाँ। कितने हुए? 50 रुपए। ऑनलाइन कर दूँ? हाँ कर दीजिए, बारकोड यहाँ लगा हुआ है। चेक कर लो। अरे भैया इसको फेंकिए मत, हमको दीजिए। तुम क्या करोगे इसका? तुम्हारे ठेले पे तो इतना कुछ खाने को है, ये बोरिंग सा खाना है। अरे भैया आप इसको हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे इसको, इसको फेंकिए मत। ऐसा क्या इसमें? और अगर मैं तुमको ये टिफिन दे भी रहा हूँ तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? भैया आप डेली तो अपना टिफिन फेंक ही देते हैं, इसको मुझे दे दीजिए, इसके बदले में डेली आपका लंच फ्री। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, तुम मुझे इस टिफिन के बदले मेरा लंच फ्री कर दोगे और तुम्हारा घाटा नहीं होगा इसमें? वैसे ऐसा क्या है इस टिफिन में, मुझे तो कुछ नहीं दिखा ऐसा। भैया मैं पैसे कमाने के लिए घर से इतनी दूर आकर शहर में रह रहा हूँ, मुझे मेरी माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आती है। आप यही खाना रोज आकर यहाँ फेंक देते हो और मैं इसी खाने के लिए तरसता हूँ, तो मेरे लिए तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। कल से याद आया कि कल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे कल सुबह जल्दी जगा देना। पर कल तो संडे है। संडे है लेकिन क्लाइंट ने टाइम दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। और हाँ तुमने खाना खाया? मैंने देर से खाना खाया था, मुझे भूख नहीं है। अरे खा लो। आज सुबह तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, क्या बात है? अरे हाँ कुछ खास नहीं, कल आपकी मीटिंग है ना, आप सो जाइए, हम कल बात करेंगे। Thank you.
उठे तो मुझे क्यों नहीं उठाया? अच्छा आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ठीक है मैं जल्दी से नाश्ता बना। प्रभा प्रभा, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। एंड देयर इज समथिंग सरप्राइज फॉर यू। थैंक यू। लेकिन आज आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? अब इतना इम्पोर्टेंट दिन छोड़कर मीटिंग करने कौन जाता है? मीटिंग होती रहेगी। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? हाँ माँ, आप रोज हम लोग के लिए नाश्ता बनाते हो ना, हम सब के लिए। आज मेरे हाथ का नाश्ता ट्राई करो और बताओ ये कैसा बना हुआ है। क्यों खुशी? तो अभी आप दोनों लोग जाओ बाहर बैठो और हम दोनों लोग नाश्ता बना करके लेकर के आते हैं। ओके? ओके। अरे माँ जाइए ना। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा ऑफिस नहीं जाना है, लेट हो जाएगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ माँ बस जा रहा हूँ। अच्छा माँ सुनिए, आज टिफिन में 2 रोटियां एक्स्ट्रा पैक कर दीजिएगा। सच में? जी ठीक है। हाँ माँ थोड़ी सी आपकी हेल्प करा दूँ, चली जाऊंगी अभी। हेलो। हाय। हाय। फ्री हो गए? हाँ फ्री हो गया। लंच के लिए चले? हाँ श्योर, कहाँ हो तुम? पीछे देखो। ओह माय गॉड। ओके ओके मैं आता हूँ। ओके। रितु। वो एक्चुअली माँ ने लंच भेजा है, तो हम लंच करें? अरे वाह, घर का खाना क्यों नहीं, बिल्कुल। तुझे पसंद है? हाँ मतलब मैं तो माँ के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। बहुत टेस्टी है। कैसे जाओगे तुम लोग? हाँ माँ खा लिया है, रुको मैं कुछ भेजती हूँ।
हाँ, अरे माँ रुको रुको भेज रही हूँ, अपना व्हाट्सएप चेक करो। तुम्हारे नोट्स तैयार हो गए? क्या कर रही हो खुशी? एक मिनट, बेस्ट फूड पीछे तुम लोग कितना शोर करते हो ना, #tastyfood। तुम लोगों के नोट्स पूरे हो गए? हाँ कंप्लीट है। क्या पोस्ट किया खुशी? कुछ नहीं, तुम खुद देख लेना। ठीक है चलो गाइस हम चलते हैं, बाय बाय। सच है औरतें बेहद अजीब होती हैं, सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती हैं, उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती हैं, और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं, तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़, बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती हैं। सच है औरतें बेहद अजीब होती हैं, खुशी के एक आश्वासन पर पूरा पूरा जीवन काट देती हैं, अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से पाट देती हैं। सच है औरतें बेहद अजीब होती हैं।